असेंबल करने के लिए सबसे पहले हम इसको है ना ऐसे उल्टा रखेंगे। तो हमने इसको उल्टा लिटा दिया है। अब सबसे पहले हम इसकी गियर्स लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये दो मोटर कवर वाले जो गियर्स है ना, ये वाले जो कि आप घुमाने पे फ्री फील होगा, ये वाले गियर्स आगे लगेंगे। ये फ्री इसलिए है क्योंकि ये जब गाड़ी अपन को उठा के ड्रैग करनी होगी तो आगे के टायर फ्री मूव करेंगे, और ये जो टाइट है ये वाले दोनों गियर पीछे के हैं। गियर लगाने के लिए आपको पहले ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे है, ये वाला आपको इसके अंदर लगाना है और ये ऐसे ही है सेम इसी टाइप से। दूसरे साइड में ये वायर अंदर जाएगा और ये लगेगा। आगे वाले गियर आपको सिर्फ रॉड में डाल के ये जो रेड वाला प्लग है इसको इसमें लगाना है, और उसका जो दूसरा वाइट और ये वाइट है ये आपस में ऐसे प्लग इन कर देना है। इसकी वायरिंग मैं आपको अंदर से बाद में बताऊंगा। अब हम टायर लगाएंगे। टायर लगाने के लिए इसके पास टोटल चार टायर है, जिसमें से एक टायर में आप देख सकते हैं ये गियर स्लॉट जो है ये बड़ा है और फ्रंट वाले टायर का ऐसे छोटा होता है, तो वो फ्रंट में लगेगा, ये बैक में लगेगा। ये आप ऐसे इसमें लगा सकते हो। इसमें साथ में एक नट बोल्ट की पॉलीथिन आएगी जिसमें 4 17 नंबर के नट और स्पैनर्स आएंगे और वॉशर भी आएंगे। तो आपको एक वॉशर और एक नट लगाना है आगे, और एक वॉशर और एक नट लगाना है पीछे। ये देखिए ये यहाँ पे नट लगेगा और ये आपको स्पैनर से टाइट करना है। आगे वाला तो आपको इंडिविजुअली टाइट हो जाएगा, पीछे वाला पूरा टाइट नहीं होगा क्योंकि ये रॉड घूमने लग जाएगी साथ में। वैसे आप जितना कर सकते हो कर देना, नहीं तो फिर उधर से दूसरा टायर लगा के दोनों स्पैनर से एक साथ टाइट करना। देखिए ये हो चुका है वैसे तो हम देख सकते हैं। तो अब हम इस दूसरी साइड में दूसरा वाला टायर लगाएंगे। बहुत ही अच्छे पावरफुल गियर्स आते हैं 350 वॉट मोटर के। आपको ये ध्यान रखना है कि नट लगाने से पहले आपको वॉशर लगाना है। वॉशर लगाने से जो नट टाइट होगा वो पूरा प्लास्टिक पे नहीं आएगा, वॉशर से पूरा प्रेशर जो है वो शेयर हो जाता है। ये हमने दोनों साइड के टायर टाइट कर दिए अच्छे से। अब हम इसकी व्हील प्लेट लगाएंगे। ये इसकी व्हील प्लेट है, आप देख सकते हो एकदम विंटेज लुक वाला व्हील प्लेट है। तो एक आगे दो और पीछे दो लगेगा। यहाँ पे लॉक दिख रहे हैं आपको, ये इसके अंदर भी लॉक है। आपको लॉक से लॉक मिला के अब बस इसको प्रेस करना है। ये देखिए सेम इसी टाइप से आपको दूसरी साइड की भी लगानी है। आप देख सकते हैं चारों टायर प्रॉपरली लग गए हैं। जो लुक इसका आ रहा है वो बहुत अच्छा लुक आ रहा है। जो व्हील प्लेट है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। अब हम इसका सबसे पहले बैटरी कनेक्शन करेंगे। बैटरी कनेक्शन जो है आप इसके अंदर जो बैटरी है उसमें जो रेड टर्मिनल है वो निकला हुआ है। आपको बस वो वायर रेड टर्मिनल पे लगाना है, और लगाने के बाद आपको एक बार गाड़ी ऑन करनी है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप ये जो ये है ये वाला रेड टर्मिनल पे इसमें वायर में लगाएंगे। आपको 12 वोल्ट की 7 एम्पीयर की बैटरी आती है इसके अंदर। ये इसका जो ऑन करने का है, ऑन करके देख लेंगे कि सारा वायरिंग वगैरह सब सही है या नहीं है। आपको जैसी आवाज़ आ जाएगी मतलब गाड़ी चालू है। अब हम इसकी स्टेयरिंग सीट और बाकी की एसेसरीज लगाएंगे और पीछे वाली सीट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्टेयरिंग लगाते हैं। स्टेयरिंग लगाने के लिए इसके साथ में ये इसका स्टेयरिंग का वो लॉक वाला सिस्टम है, ये यहाँ पे लगेगा इस होल के अंदर। आपको सबसे पहले ये जो वायर है ये इसके अंदर ऐसे यहाँ से ऐसे बाहर निकालना है, इसको ऐसे इसमें डालना है, और ये जो नट बोल्ट है ये आपको ये अलाइन करके फिर इसके अंदर आपको ऐसे डालना है। बहुत इजी है, ये होल मिल जाएगा आपको। अगर ये होल नहीं मिलता है आपको तो आपको एक छोटा पतला सा स्क्रू ड्राइवर लेना है और उसको ऐसे कभी-कभी हमारे कस्टमर्स को बहुत मुश्किल आती है। तो आप इसको ये जो रॉड है इसको नीचे से ऊपर दबा के रखना है। देखिए ऐसे ये रॉड आपको दिख रही होगी ऊपर नीचे हो रही है,
आपको पूरी ऊपर दबानी है और फिर ये यहाँ से ऐसे इस वायर को इसमें डालना है। और ऐसे ये देखिए ये होल अलाइन हो गया। आपको इधर से बोल्ट डाल के और यहाँ से नट डालना है, फिर आपको इसे टाइट करना है। ये लगाने के बाद अब हम इसका वायर असेंबल करेंगे। वायर ये आप देख रहे हो मेल फीमेल स्लॉट है, ये पिन आप ध्यान से लगाइएगा, ये मुड़ नहीं जाए, बस इसको बहुत अच्छे से ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अगर गाड़ी ऑन है तो आप बटन दबा के देखेंगे कि इसमें हॉर्न या म्यूजिक बज रहा है कि नहीं। आप देख सकते हो अभी हॉर्न बज रहा है ये, ठीक है ना। अब हम इसका वायर इसके अंदर धीरे से डालेंगे और ये जो लॉक है ये यहाँ पे, ये जो दो प्रेस करने के इसके अंदर लॉक हो जाएंगे। तो आपको ऐसे ये दबाना है, यूँ ये आप देख सकते हैं ये बाहर आ गया है, स्टीयरिंग राइट लेफ्ट हो रहा है, ये लॉक लग चुका है अच्छे से। इसकी जो गियर्स हैं हमने इसकी गियर के जो वायर्स ऊपर डाले हैं, सबसे पहले हम ये गियर के वायर आपस में कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद हम ये यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे एक स्लॉट है, ये प्लग इन कर देंगे फिर आपकी गियर चल जाएंगे। अब हम इसकी सीट लगाएंगे, पहले आगे वाली सीट लगा देंगे और फिर पीछे वाली सीट लगाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ आगे, जैसे आप देख सकते हैं सिर्फ ये जो लोअर पार्ट है वही लगाना है हमको। लोअर पार्ट के अंदर सीट बेल्ट ऑलरेडी लगा हुआ है और लेदर सीट है, आप देख सकते हो ये। और ये यहाँ पे हमने इसको ऐसे लगाना है, दो स्क्रूज लगेंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। सीट को ऐसे आपको इसके अंदर लॉक लगाना है, ये दो लॉक लगेंगे, ये लॉक लग के और फिर दो स्क्रू लग जाएंगे। स्क्रूज आपकी गाड़ी के साथ में ही आते हैं। ये दोनों स्क्रूज हम यहाँ पे सीट के यहाँ लगा देंगे। आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी स्क्रू होता है अगर वो प्लास्टिक में लगता है तो हमको उसे बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो वो प्लास्टिक तोड़ देगा। ये देखिए बहुत अच्छे से सीट लग चुकी है इसके अंदर। अब हम इसका बैक वाला सीट लगाएंगे। ये देखिए इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर ये है, ये बैक वाली सीट इसलिए है ताकि कोई पेरेंट या कोई भी चाहे तो इसमें बैठ सकते हैं। अब बैक वाली सीट के लिए चार स्क्रूज लगेंगे इसमें, आप दो स्क्रू यहाँ पे लगेंगे और दो स्क्रू यहाँ पे लगेंगे। ये ऐसे लगाना है, चाहे तो आप कोई छोटा बेबी बिठा सकते हो या पेरेंट बिठा सकते हो, ये वेट ले लेगी क्योंकि फोर व्हील ड्राइव है। अब हम इसको चारों स्क्रूज लगाएंगे यहाँ पे। स्क्रूज के लिए हम आपको स्क्रू ड्राइवर साथ में देते हैं, इसके अंदर अच्छे से होल है। ये स्क्रूज लग गए, ये सीट आपकी टाइट लग गई है। अब हम इसके ये जो रियर व्हील है इसमें हम एक लाइट यहाँ पे लगाएंगे, ये वाला, ये देखिए आप ये लैंप है, ये इस जो पीछे वाला लैंप है इसके अंदर वायर नहीं आता, इसके अंदर एलईडी नहीं आती है, तो ये यहाँ पे लगेगा। बाकी ये जो लैंप है आप देख रहे हैं दोनों में वायर निकल रहा है, तो ये एलईडी वाले लैंप है ये आगे लगेंगे। अब हम इसके सारे वायर्स आगे लगा रहे हैं। अब देखिए आगे लगाने के लिए आपको यहाँ पे दो तो हेडलाइट्स हैं, आप देख सकते हो एक ये वाला लाइट है, तो इस लाइट को हम जोड़ेंगे सबसे पहले यहाँ पे। ये ऐसे लगा दिया हमने, जैसे ही हम प्लग इन करेंगे लाइट ऑन हो जाएगा, तो आपको एक बार चेक कर लेना है ऑन हुआ है कि नहीं। ऑन होने के बाद इसके यहाँ नीचे से दो स्क्रूज लगेंगे, एक बार हम इसको लॉक कर देते हैं पहले अंदर। ये देखिए ये लॉक हो गया है, फिर नीचे से दो स्क्रू लगाने हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे लगाते हैं। ये इसके हेडलाइट्स हैं, ये हेडलाइट देखिए यहाँ पे लगेगी एक और एक वहाँ लगेगी, ठीक है। अच्छा इसमें कन्फ्यूज़न नहीं हो इसके लिए आपकी जो लॉक की जो पिन है ये अलग अलग दी हुई है, ये मेल फीमेल है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे। ये देखिए ये लॉक लग गया है यहाँ पे और ये वाला दिया है यहाँ पे। इनको लगाने के बाद इनके ऊपर से एक एक स्क्रू लगाना है आपको,
वो स्क्रू अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे लगाते हैं। अब इस गाड़ी के नीचे से दो वायर होंगे, एक तो ये वाला होगा वाइट वाला वायर, वाइट वाली लाइट के लिए, ये देखिए ये वाला लाइट मेल फीमेल, और एक दूसरा इसका फीमेल सॉकेट होगा, वो वाला आपको उधर से लगाना है। तो आप ये यहाँ से ऊपर से या तो वायर ऊपर ले लीजिए या फिर ये नीचे लगा लीजिए। ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये वायर इधर आ गया, यहाँ पे इसको अपन ने असेंबल कर दिया। अब देख सकते हैं येलो लाइट है, यहाँ पे भी येलो लाइट है, यहाँ पे मल्टी कलर लाइट आपको दिख रही होगी, और ये हमने इसको यहाँ पे प्रेस कर दिया। देखिए इसी तरह से हम उधर भी वो वायर लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक लोगो है, आप देख सकते हो ये वाला लोगो, इसमें एक साथ में एक ऑल्टरनेट लोगो और आता है, तो वो लोगो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये मर्सिडीज़ का लोगो है, पर हम यहाँ पे ये जो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है वो वाला लोगो लगाएंगे। इसको सिर्फ प्रेस फिट करना है अपन को, लॉक धीरे से दबाना है बस। ये देखिए ये वाला लोगो लग गया। अब इसके साथ कुछ स्टिकर्स आते हैं, वो स्टिकर्स मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाते हैं। ये वाली लाइट रह गई है भैया से, लगी नहीं है, मैं बाद में इसको लगा दूंगा। ये बस यहाँ पे सिंपल है, नीचे वायर लगाना है और कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब सबसे पहले इस गाड़ी का एक मॉडल नंबर आता है KP6999। अब चाहें तो इस स्टिकर की जगह पे बेबी का नाम या आपके कोई मनपसंद प्लेट नंबर प्लेट, तो आप वो भी लगवा सकते हो। ये वाला आपको यहाँ पे सेंटर में लगाना रहेगा। ये इस तरह से लग जाएगा, ये देखिए। अब ये जो स्टीयरिंग है यहाँ पे एक लोगो लगेगा, ये क्लासिक करके ये जो है ये लोगो आप लगा सकते हो यहाँ पे। एक क्लासिक का लोगो हमारे पास एक्स्ट्रा आता है। उसके बाद अब ये जो मीटर है आपको दिख रहा होगा, बहुत ही ब्लैंक ब्लैंक मीटर दिख रहा है, तो उस मीटर के ये स्टिकर्स हैं। आपको आपके लेफ्ट साइड में तो RPM इंडिकेटर लगाना है और राइट साइड में स्पीडोमीटर, जैसा कि जनरली कार्स में होता है वैसा ही रहेगा। अब ये लगने के बाद इसका लुक थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब इसमें कुछ ये वाले स्टिकर्स आते हैं कॉन्सेप्ट कार, ये यहाँ पे एक लगेगा और यहाँ पे एक लगेगा। आपको धीरे से निकालना है इसको, और आप इधर तो यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए। और ये वाला यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। अब इसमें आता है सुपर लिखा हुआ स्टिकर, जो दोनों डोर पे लगेगा, एक एक डोर के नीचे लगेगा। ये देखिए ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे ये स्टिकर लगेगा सुपर लिखा हुआ, सेम ऐसे ही है, दूसरी साइड लगाना है आपको। अब हमारा एकमात्र स्टिकर बचा है ये वाले, दो विंटेज कार की फोटोज है, ये लगेगी फ्रंट पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये देखिए। ये सेम इस टाइप से, अगर आप हमसे जब गाड़ी परचेज करेंगे तो हम इसको काफ़ी हद तक असेंबल करके देंगे, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हम आपको इसमें लगा के देंगे, जैसे स्टेयरिंग का वो जो अंदर ब्लैक वाला लॉक था, और सारे स्टिकर्स और मोस्ट ऑफ द लाइट्स हम आपको लगा के देंगे, सारी वायरिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से करके देंगे। अभी तो ये गाड़ी भी हमारे पास आई है, तो हमने इसको असेंबल किया है अच्छे से। आप चाहें तो मेरी खुद की वेबसाइट है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं, rideons.in के नाम से, हम आपको बेस्ट डिस्काउंट देंगे, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से मुझे कॉल करके इसका बेस्ट प्राइस ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रिमोट और इसका चार्जिंग सॉकेट कहाँ पे है।
ये इसका रिमोट आता है, मल्टीफंक्शन रिमोट तो नहीं है इसमें, मगर नॉर्मल अच्छा रिमोट है। इसका जो एम बटन है ये हम प्रेस करके रखेंगे तो ये लाइट फ्लैश करेगी और ये इससे पैर हो जाएगा। अब आप रिमोट से चला सकते हैं इसको, राइट लेफ्ट, और इसमें एक रॉकिंग फंक्शन भी आता है ऐसा वाला। ये गाड़ी आगे पीछे स्विंग करती है। इसके अंदर एक ब्लूटूथ है, म्यूजिक सर्किट है पूरा, पेन ड्राइव से गाने चला सकते हो, बैटरी लेवल इंडिकेटर भी है सारा। अब इसका चार्जर आता है, ये देखिए ये इसका चार्जर है। चार्जिंग सॉकेट मैं आपको पास से दिखाता हूँ थोड़ा सा, इसकी सीट के नीचे है चार्जिंग सॉकेट। ये देखिए इसकी सीट के जस्ट यहाँ पे एक होल दिखेगा जिसमें ये चार्जिंग प्लग इन होता है। जैसे ही हम चार्ज प्लग इन करते हैं गाड़ी ऑफ हो जाती है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको असेंबली में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमको कॉल या वीडियो कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे लिंक में दिया हुआ है और आप हमसे गाड़ी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कभी कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।